URWA और मैं हूँ इस वक्त इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के ऊपर और यहाँ मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेडी हैं पुशअप के कॉम्पिटिशन के लिए और वो चाह रहे हैं देखना कि उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है. तो देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसके अंदर कितना टैलेंट है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? जावेद अली. आपका? बिलाल अजीज. बिलाल, आपको क्या लगता है आप दोनों में से कौन जीते? मैं. आपको क्या लगता है? मैं. अच्छा, और जो हार जाए उसके साथ क्या होना चाहिए? पप्पी दूंगा मैं जो हारेगा. और आप क्या करोगे? आई शुड हैव टू ड्रिंक द स्टिंग. चलो ठीक है, गेट रेडी. और जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूंगी उसी वक्त आप लोग स्टार्ट कर देना, ठीक है? गेट रेडी, पुशअप्स, पोजीशन. ऑलराइट, 1 2 3 गो. जो पहले रुक जाएगा वो हार गया. माशाल्लाह, इन दोनों के काफी ज्यादा सपोर्टर्स हैं. वाओ. ओके ओके ओके, आप हार गए हो. और यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी डिसाइड कर लिया और आप लोगों ने भी देखा कि कौन विनर है. और विनर है जावेद. जावेद, आप मुझे बताओ कि आप जिम जाते हो? जी, जिम जाते हो? जिम एक हफ्ता हो गया, गए नहीं है. अच्छा, वैसे जाते हो रेगुलरली? हाँ. ऑलराइट, वेरी गुड. सो जावेद, यू आर द विनर एंड यू गेट अ स्टिंग फ्रॉम ARY म्यूजिक. हियर यू गो. ARY, थैंक्स. तुमने कान में, दोनों कान में बालियां वालियां पहनी हुई है, तुम सलमान खान से इंस्पायर्ड हो बहुत ज्यादा. चेन कहाँ है तुम्हारी? इतना ज्यादा भी नहीं हो. इतना ज्यादा भी नहीं हो. मुझे बताओ, सलमान खान की लास्ट मूवी तुमने कौन सी देखी है? वीर. वीर, यानी तुम अप टू डेट चल रहे हो कि भाई सलमान खान ने अब ये कर दिया. वीर कैसी लगी तुम्हें? सलमान खान की वजह से देखी वरना कोई मूवी. तुम्हारा जीपीए क्या है? 3.5. माशाल्लाह, फिल्मों के साथ साथ तुम्हारा इतना अच्छा जीपीए है. एक्चुअली बनना है डिजाइनर. डिजाइनर, वो भी लड़की. वैसे भाई जो है ना, माशाल्लाह डिजाइनर तो बाकी लगते हैं और लड़कियों को डिजाइनर इन्होंने क्यों बनना होगा, आप सोच सकते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पर एक पोल कर रही हूँ. पोल ये है कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड से डरती हैं या फिर पेरेंट्स से? डरती हैं. आजकल की लड़कियाँ डरती हैं, पहली बात तो ये. हाँ, नहीं डरती, लेकिन थोड़ा सा डरती हैं. किससे डरती हैं? पेरेंट्स से. पहले जमाने में तो पेरेंट डरती थी, अब मैं वैसे शायद ही डरती हूँ. अच्छा, बॉयफ्रेंड से डरती हैं? बॉयफ्रेंड से भी नहीं डरती. बात मानती हैं बॉयफ्रेंड? आपको क्या लगता है, मानती होंगी? मुझे लगता है मानती. अभी तो कोई है नहीं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता. अच्छा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? फ्लर्टिंग किस पे कह रहे हैं, वैसे कह रही है. गर्लफ्रेंड है या नहीं है? अभी तो नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. परेशानी क्या आपको? नथिंग है. बड़ी आप उदास जी हूं सर, नीचे करके बैठी हुई है. क्या एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए? कल एग्जाम है, उसकी टेंशन है. तो एग्जाम्स जो है वो तो तैयारी से मेरे ख्याल है पास किया जाता है, इस तरह गप्पों से तो नहीं होगा. गप्पों से नहीं होता, उसी चीज की डिस्कशन करेंगे तैयारी कैसे करें. अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है. आपको क्या लगता है आपके अंदर किस चीज का टैलेंट है? ये ना किस चीज का टैलेंट है, ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे किस. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हैं? आई एम डूइंग टेक्सटाइल डिजाइनिंग. टेक्सटाइल डिजाइनिंग. अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का टेक्सटाइल डिजाइनिंग इज बेटर देन द अदर्स? डू यू वांट मी टू से इन अगेंस्ट और फॉर एज यू विश, हाउएवर यू लाइक इट. या इट्स ओके, बट नॉट एज मच लाइक, मतलब यू गेट सैटिस्फाइड, इट्स नॉट दैट मच सैटिस्फैक्शन इज गिविंग बाय देयर. अच्छा, मुझे बताओ, हु इज द वर्स्ट टीचर इन दिस कैंपस? ओके. अच्छा, उनकी वो ऐसी चीज बताओ जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है. आई हेट हिम अ लॉट. मतलब कुछ ज्यादा वो पर्सनल हो जाते हैं ना बच्चों के साथ. कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा उनको हर किसी के साथ कोई ग्रज रहता है कि भाई बच्चों के साथ आप पर्सनल क्यों हो रहे हो. व्हाई यू गेट पर्सनल विद दिस किड्स? अच्छा, ये हमारे आजकल के टीचर्स में नहीं होना चाहिए. आप लोग देखें स्टूडेंट्स के रिव्यूज के, उनको अच्छा नहीं लगता है कि टीचर्स पर्सनल हो. Their business should be only with their studies, right? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. क्या नाम है आपका? सानिया. सानिया क्यों? क्यों क्या मतलब? अम्मी अब्बू ने रख दिया होगा, कोई वजह होगी. बिल्कुल, अम्मी अब्बू ने रखा. क्या मतलब क्या सानिया का? सानिया सना से निकला है. क्या मुझे बता, आपकी कोई स्केच बुक है आपके पास? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कुछ सेट वो है, एक शीट है. दिखाएं भाई इधर सबको. तो ये क्या दिखाया अभी आपने? ये एक स्केच है जो कि पुराने जमाने में ऐसे जग होते थे जिसमें वो डालते थे और फिर चक्कर खा जाते थे. हम लोगों ने एक पिक्चर निकाली थी नेट से, उस पे सर्च किया था, फिर उन्होंने कहा था कि आप इसको. ये अगर मैं इसको गौर से देखूं तो हर तस्वीर की, हर पिक्चर की एक केमिस्ट्री होती है. इसमें मुझे एक जग नजर आ रहा है, एक सेब नजर आ रहा है, फिर इज लाइक दैट, और एक ये मुझे पता नहीं अमरूद है, ये क्या है, ये इसकी केमिस्ट्री क्या है? पिक्चर को किसी भी पेंटर के लिए या किसी भी डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसको अंडरस्टैंड करे. तो इसकी क्या समरी निकालेंगे आपकी, ये पिक्चर क्या पोर्ट्रे कर रही है? ये
एक टेबल पे रखा हुआ है, एक जग है साथ में एप्पल और वो है। वाह 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 भाई वाह, बहुत ही मजेदार किस्म की कलाकार हैं आप। Hello guys, welcome back. I'm at Indus Institute of Higher Education और यहाँ पर मेरे पास इस कैंपस के कुछ मॉडल्स हैं। तो जितने भी ब्रांड्स वहाँ पर मुझे देख रहे हैं और जितने भी लोग अपने ब्रांड्स के लिए मॉडल्स ढूंढ रहे हैं, वो स्क्रीन पर नजर जमा के रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप लोगों को अपनी लुक्स दिखाने वाले कैटवॉक के अंदर। सो लेट्स सी हू विंस गाइस, बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने कैटवॉक तो अच्छी की है, लेकिन उनको जिताने की एक और वजह ये है कि उनमें इतना करेज था कि वो लड़कों के साथ आकर कैटवॉक करती। सो एवरीबॉडी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नैना। ऑलराइट, अच्छा मैंने यहाँ पर एक और टाइटल जज किया है जो कि है फंटर का। आप लोग मुझे खुद बताओ किसने सबसे फनीएस्ट कैटवॉक की है। बिलाल। परफेक्ट, बिलाल आप यहाँ पर आ जाइए। You are the star. आपको मैं टाइटल कर रही हूँ फंटर। आप बताएं, आपको लगता है कि जो टाइटल्स के साथ जस्टिस हो रहा है, आप इतने शरारती हो? या वो दिख रहा था आपकी कैटवॉक में। सो आई टाइटल यू द फंटर। और जी आप लोगों को पता है जो भी विनर्स होते हैं उनको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है, खाली हाथ तो वो जाते नहीं है। तो हमारे जो फंटर हैं उनको मिलेगा ARY म्यूजिक की तरफ से ये कप। एवरीबॉडी राउंड ऑफ अप्लॉज, थैंक यू। और नैना को जो है वो मिलेगा स्टिंग, वो इसलिए क्योंकि इनमें इतना सारा करेज था, इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इतने सारे लड़कों में आके कैटवॉक करती। तो आप मेरे ख्याल से स्टिंग को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करती है, राइट? थैंक यू नैना, हियर यू गो।